बीटा डीके क्या है, बीटा डीके कब होता है? बीटा डीके इज अ प्रोसेस इन विच आइदर न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन. आप सोचेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन, हाँ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन या प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, ऐसा भी हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर. अब ऐसा कब होता है, मैं बताता हूं कब होता है. तो जब भी कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो तो कौन सा डीके कहलाता है, बीटा डीके. ऐसा कब होता है और इसको लगाना कैसे, इसको समझते हैं. देखो, इफ न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड विद मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन नीडेड फॉर स्टेबिलिटी. वो कह रहे हैं एक न्यूक्लियस टूटा, रेडियो एक्टिविटी हुई, एक न्यूक्लियस टूटा जो अनस्टेबल था, ताकि वो दो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया ताकि वो स्टेबल बने. पर जो नए न्यूक्लियस निकले उसमें क्या देखा गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा पाए गए जितने होने चाहिए थे स्टेबिलिटी के लिए. स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन्स कम होने चाहिए थे, प्रोटॉन ज्यादा होने चाहिए थे, पर हुआ क्या, न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए और प्रोटॉन्स कम थे, तो अनस्टेबल हो गया. स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन्स होने, न्यूट्रॉन्स बन गए ज्यादा, प्रोटॉन्स बन गए कम. अब बाय नेचर ऐसा हो गया तो ये अनस्टेबल हो गया. तो अब होगा क्या, न्यूट्रॉन क्योंकि जो न्यूक्लियस बना ये अनस्टेबल है, ये अपने अंदर से बीटा पार्टिकल बाहर निकालेगा. और बीटा पार्टिकल निकालने का मतलब अपने अंदर का न्यूट्रॉन जो एक्सेस में बने हुए हैं इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटॉन में, क्योंकि इसको प्रोटॉन की जरूरत है. तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एमिटिंग बीटा पार्टिकल. वो कैसे बताता हूं, तो इससे न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल. उसी तरीके से अगर एक न्यूक्लियस बना जिसमें प्रोटॉन्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई और न्यूट्रॉन्स की कम रह गई, अब वो अनस्टेबल हो गया. चाहिए थे प्रोटॉन्स कम, न्यूट्रॉन्स ज्यादा, बन गए प्रोटॉन्स ज्यादा, अब प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा बन गए, तो क्या करेगा न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबिलिटी लाने के लिए, प्रोटॉन्स किस में कन्वर्ट कर लेगा, न्यूट्रॉन्स में, ताकि रेशियो बराबर रहे और स्टेबल हो जाए. अब वो कैसे करता है, यही वो समझा रहा है कि इस केस में अगर न्यूट्रॉन्स ज्यादा बन गए तो न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्रोटॉन टू मूव टुवर्ड स्टेबिलिटी. सिमिलरली अगर न्यूक्लियस जो बना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा बन गए तो प्रोटॉन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स में फॉर स्टेबिलिटी. तो इसको डिटेल में स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले केस नंबर वन स्टडी करते हैं. अगर न्यूट्रॉन्स ज्यादा बन गए, अगर न्यूट्रॉन्स ज्यादा बन गए, इसको बाद में पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं. तो न्यूट्रॉन अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, प्रोटॉन में. जैसे ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है तो बाहर निकालता है एक इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बीटा नेगेटिव पार्टिकल. बीटा माइनस पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन. बीटा के ऊपर माइनस लिखा होगा. तो बीटा डीके में, बीटा डीके का मतलब, बीटा डीके दो टाइप का होता है, बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव. तो जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो बीटा नेगेटिव निकलता है जिसको आप इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और साथ में एक और पार्टिकल निकलता है जिसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो. एंटी न्यूट्रिनो का फिजिक्स में कोई काम है नहीं, क्योंकि ना तो इसका मास होता है ना इसका कोई चार्ज होता है, ये फोटोन की तरह होता है, तो इसकी कोई कैलकुलेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती कभी भी. तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे इसमें, व्हेन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यू पार्टिकल कॉज एंटी न्यूट्रिनो आर क्रिएटेड एंड इज एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, ताकि वो स्टेबल हो जाए. तो इसके अंदर एंटी न्यूट्रिनो मैंने बताया चार्जलेस है, मासलेस है, जिसका स्पिन क्वांटम प्लस माइनस हाफ है. तो बीटा नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन है. तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, वो कहेगा एक्स कोई एटम है ए जेड, इसमें से बीटा नेगेटिव निकाल दो. बीटा नेगेटिव निकालने का मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल दो. इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं, ई जीरो माइनस वन लिखते हैं. इसी को बीटा नेगेटिव लिखते हैं, एक ही बात है, ई जीरो माइनस वन एंड बीटा पार्टिकल, बीटा नेगेटिव वन एंड दी सेम थिंग, राइट. और ये तो चलो लिख दो एंटी न्यूट्रिनो के ऊपर, ये डैश डाल देना, इसकी जरूरत नहीं है. तो इसमें जो नया एटम निकलेगा उसका जो ए है दैट विल रिमेन सेम, क्योंकि ए प्लस जीरो इज ए. लेकिन जो जेड है, क्योंकि ये माइनस वन है, तो ये क्या होगा, जेड प्लस वन, क्योंकि जेड प्लस वन और माइनस वन क्या होगा, सेट. तो ये इक्वेशन बनानी है. तो आपको जब क्वेश्चन आएगा वो थ्योरी नहीं पूछेगा, आपको इक्वेशन देगा, कहेगा बीटा नेगेटिव पार्टिकल निकाल दो. तो आपने ई जीरो माइनस वन निकाल के एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर बताने क्या होगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कि बीटा नेगेटिव पार्टिकल कैसे निकलता है. और बीटा पॉजिटिव में उल्टा हो जाता है. बीटा पॉजिटिव पार्टिकल में क्या होता है,
जब प्रोटॉन किस में कन्वर्ट होता है, अब न्यूट्रॉन में। पहले क्या हो रहा था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो क्या निकालेगा अपने अंदर से, ई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नहीं ई नेगेटिव, नहीं ई पॉजिटिव, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। और साथ में एंटी न्यूट्रिनो, नहीं न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो का, इसका काम नहीं है ज्यादा। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि अनस्टेबल न्यूक्लियस में अगर प्रोटोन जो है वो ज्यादा बन जाते हैं तो प्रोटोन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है और बाहर क्या निकालता है, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। तो इसकी इक्वेशन आपने देखनी है सीधी, आपको ऐसे आएगी, एक्स को एलिमेंट है और बीटा पॉजिटिव निकालना है। बीटा पॉजिटिव में ई जीरो माइनस वन नहीं होता, ई जीरो प्लस वन होता है, बस ये डिफरेंस है। बीटा नेगेटिव में ई जीरो माइनस वन, बीटा पॉजिटिव में ई जीरो प्लस वन, बस कुछ नहीं करना। ए तो वाई एलिमेंट जो होगा उसका मास नंबर विल रिमेन सेम, और जेड जो होगा वो जेड प्लस वन की जगह जेड माइनस वन, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, बात खत्म। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा नेगेटिव को लिखते हैं ई जीरो माइनस वन, बीटा पॉजिटिव को लिखते हैं ई जीरो प्लस वन, फिर इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। तो अब आपने क्या किया, और इस डीके को क्या बोलते हैं, बीटा पॉजिटिव डीके, बीटा नेगेटिव डीके, बीटा पॉजिटिव डीके।